अगर तुम जुजुत्सु काइजन की मांगा पढ़ रहे हो तो तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा कि गोजो इज नो मोर। रियोमैन सुकुना ने गोजो को लिटरली बीच से काट दिया है। एंड अगर तुम मांगा नहीं भी पढ़ते तो भी तुम्हें रील्स वगैरह से ये बात पता चली गई होगी कि गोजो इज नो मोर, क्योंकि इधर एक आइकॉनिक कैरेक्टर मरा, दूसरी तरफ उसकी रील्स बनना शुरू हो जाती है। एंड ये बात एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गोजो के मरने पर लिटरली इंटरनेट क्रैश जैसा फील आया था, क्योंकि हर रील्स पर गोजो की ही बातें, हर यूट्यूब चैनल पर गोजो की ही बातें हो रही है। एंड लिटरली जुजुत्सु काइजन के राइटर गिगे अकामी को गालियां पड़ रही है ट्विटर पे गोजो को मारने के जुल्म में, मतलब उसने मारा है। सो इन बातों को साइड रखे, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला कि आखिर सुकुना ने गोजो को मारा कैसे, एंड दूसरा कि क्या चांसेस हैं कि गोजो वापस से जिंदा हो सकता है, एंड चांसेस आर प्रीटी हाई, क्योंकि मैंने चैप्टर 236 में ऐसी बहुत सारी चीजें नोटिस करी हैं जो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि गोजो वापस से जिंदा हो सकता है। उसके लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो आखिर सुकुना ने गोजो को मारा कैसे, देखो सारी बात आ जाती है महोरागा के ऊपर। जब गोजो बीच कटा हुआ पड़ा था तब सुकुना उसको एक चीज एक्सप्लेन कर रहा होता है कि महोरागा जब किसी अटैक को अडैप्ट करना शुरू करता है तो वो उसको 100% पे आके ही अडैप्ट नहीं करता, मतलब वो उसको और ज्यादा अडैप्ट करता है, मतलब वो इवन 100% होने के बाद भी उसको 120, 130, 150, 200% अडैप्ट करता है। ऐसे ही महोरागा ने सुकुना का स्लैश अडैप्ट करना स्टार्ट किया था, एंड ऑब्वियसली बात है वो उसका शिकिगामी है तो वो उसका अटैक को अडैप्ट कर सकता है। एंड महोरागा ने उस स्लैश को इस हद तक अडैप्ट कर लिया कि वो स्पेस को ही बीच से काटने लग गया। एंड तुम्हें याद है कि जब महोरागा ने गोजो का हाथ काटा था तो बेसिकली उसने उसके हाथ को निशाना नहीं बनाया था, उसने उसके स्पेस को निशाना बनाया था। एंड जब महोरागा स्पेस को ही काट रहा है तो गोजो की इन्फिनिटी तो उसको क्या ही रोकेगी। एंड ये चीज सुकुना को रियलाइज हो जाती है जब अपना गोजो हॉलो पर्पल का यूज करता है, उससे जस्ट पहले सुकुना ये चीज रियलाइज करता है। एंड जब सुकुना बुरी हालत में खड़ा होता है तब वो यूज करता है वही वाला स्लैश जो महोरागा ने गोजो के हाथ पर इस्तेमाल किया था, एंड वो स्लैश यूज करके वो गोजो को बीच से काट देता है, एंड दैट्स हाउ गोजो का शरीर कटा हुआ नीचे पड़ा होता है। अब दूसरे टॉपिक की बात कि आखिर क्या चांसेस हैं कि गोजो वापस से कमबैक कर सकता है, मतलब गोजो वापस से जिंदा हो सकता है। देखो चैप्टर 236 की शुरुआत में हमें एक आफ्टर लाइफ दिखाई जाती है, वो बेसिकली वहां पर बताया गया है कि ये फ्लैशबैक है बट ये आफ्टर लाइफ है, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे मर चुके हैं, जैसे कि रीको, नानामी, गेटो, स्यूडो गेटो नहीं अपना ओरिजिनल गेटो। एंड वो गेटो से बात कर रहा होता है, गेटो उसको बताता है कि तुमने मेरे को बोला था कि मरने के बाद सब लोग अकेले हो जाते हैं। एंड तभी उस पर उस चीज पर नानामी बोलता है कि मेरे को गोजो के मरने पे एम्पैथी फील हो रही है। एंड गोजो उसके रिप्लाई में नानामी से पूछता है कि तुम जब मरे तो तुम्हें कैसा लगा था। नानामी उसको बोलता है कि मेरे को बताया गया था कि अगर मेरे को अपने नए सेल्फ को खोजना है तो मेरे को नॉर्थ की तरफ बढ़ना है, लेकिन मैं उसी में खुश हूँ जो मैं हूँ तो मेरे को साउथ में मूव करना है। तो नानामी ने चूज किया साउथ, एंड उसको जहाँ रहना था वो वहीं खुश है। देखो ये नॉर्थ साउथ वाली बात जो है ये बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट से उठाई गई है। जब बुद्धा पैदा हुए थे तो उन्होंने अपने 7 कदम नॉर्थ की तरफ रखे थे, जिनको हम 7 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग भी बोलते हैं। मतलब ये इस चीज का इंडिकेशन हो सकता है कि अब अपना गोजो जो है वो नॉर्थ को चूज करेगा एंड एक बेटर अवेकनिंग के साथ कमबैक करेगा, जिससे सुकुना की लिटरली फट जाएगी। लेकिन क्या गोजो को वापस से जिंदा होना पॉसिबल है? देखो रियलिटी के अंदर गोजो नीचे पड़ा हुआ होता है, तभी सुकुना उसको बोलता है कि गुड जॉब गोजो सातोरु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एंड उस चीज के ऊपर अपना गोजो सेंसेई स्माइल करता है, तुम इस पैनल में देख ही सकते हो। अब स्माइल करने का मतलब उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव है, एंड जो रिवर्स कर्स टेक्निक होती है वो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। इट मींस गोजो अभी भी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को हील कर सकता है। बट क्या वो इतना ज्यादा फेटल डैमेज रिकवर कर पाएगा कि मतलब उसके पैर ही लिटरली कटे हुए हैं? मे बी ये चीज पॉसिबल ना हो कि गोजो अपने आप को पूरी तरह से हील कर पाए, एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी यूज कर ले कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाए। एंड ऑल दो जुजुत्सु काइजन में कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को ही नहीं बल्कि किसी और को भी हील कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नली हील प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके, वो है यूटा एंड शोको। इवेंचुअली अगर इन लोगों का ऐसा प्लान बनता है तो इन्हें किसी न किसी तरह गोजो की बॉडी को सिक्योर रखना पड़ेगा। तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि काशिमो जो है वो सुकुना से लड़ने में बिजी रहे, एंड इतने में ये लोग उसकी बॉडी उठा के अपने पास ले आए ताकि वो उसको हील प्रोवाइड कर सके एंड उसको जल्दी से जल्दी वापस से फाइट में ला सके। क्योंकि यार तुम खुद देखो यार, सुकुना को गोजो जैसा ऑनर्ड वन नहीं हरा पाया तो ये लोग क्या ही उखाड़ लेंगे। एक हद तक को मैं ये कह सकता हूँ कि सुकुना जो है वो अभी इंजर्ड है तो उसको ये लोग इंजर्ड के बेसिस पे मार सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मे बी ये शायद गोजो की बेइज्जती जैसी हो जाएगी, क्योंकि गोजो को इतना पावरफुल सुकुना को इतना पावरफुल गोजो नहीं हरा पाया तो ये किसी छोटे मोटे से सुकुना हार जाए, इट्स नॉट गुड। एंड ऑल दो ये गिगे अकुतामी का कोई प्लान भी हो सकता है कि मतलब वो पहले गोजो को मारे एंड देन उसका कमबैक करे, जो कि इवेंचुअली होता ही आया है मोस्ट ऑफ द एनिमे में, मतलब किसी हीरो को मार देना इज नॉट अ गुड थिंग। ऑल दो इतादोरी एक मेन कैरेक्टर है बट हमें गोजो चाहिए। लेकिन अगर क्या हो कि गोजो मरी जाए,
देखो अगर गोजो सेंसे मरी जाते हैं प्रॉपरली तो लाइक हो वर्ल्ड में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में बैलेंस लाने के लिए एक शिक्षा यूजर तो होना ही चाहिए। एंड ऑल दो अगर वो मर जाता है तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि केंजाकू उसकी बॉडी यूज करे एंड अपना ब्रेन जो है वो गोजो की बॉडी में इम्प्लांट कर दे। एंड ऐसा करने के बाद केंजाकू शायद सुकुना को ही धोखा दे दे, क्योंकि यार केंजाकू बड़ा हरामी आदमी है यार, मेरे को तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के लिए ला रहा हूँ एक वेबसाइट, वेबसाइट का नाम है सॉलिड स्टाइल, जहाँ पर तुम अपने मनपसंद एनिमे कैरेक्टर की एनिमे टी शर्ट खरीद सकते हो, वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, तो तुम जाके चेकआउट कर लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर खरीदना। सो अब बात कर लेते हैं जुजुत्सु काइजन के चैप्टर 237 के स्पॉयलर्स के बारे में। तो जैसे कि काशिमो हमारा बैटलफील्ड में एंटर हो चुका है, तब हमें दिखाई जाती है हमारी उराओ में जो कि बड़ा सा आइस का पिलर फेंक रही होती है। लेकिन तभी हाकारी केंजू उराओ में को चैलेंज कर देता है, वो बोलता है कि उसने एक वादा किया है कि वो उराओ में को जिंदा रहने नहीं देगा। तभी हाकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है एंड उराओ में भी अपना आइस फॉर्मेशन का अटैक यूज करती है उसके खिलाफ। हाकारी उसको अपने डोमेन एक्सपेंशन में कैद कर लेता है, लेकिन जो आइस का अटैक आइस का बड़ा सा पिलर है वो अभी भी नीचे गिर रहा होता है एंड वो सुकुना की तरफ गिरता है एंड देन वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसमें से सुकुना का एक पुराना कर्स टूल निकलता है जिसका नाम होता है कामुतोक। एंड ये कर्स टूल होता है जो सुकुना अपने एंशिएंट टाइम में यूज करता था, क्योंकि जब सुकुना उस अटैक से काशिमो पे अटैक करता है तो वो तब बोलता है गुड ओल्ड टाइम्स। एंड काशिमो उससे पूछता है डिड यू बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट और वर यू बॉर्न एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सुकुना उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूं। देन काशिमो सुकुना से पूछता है कि तुम दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करते हो बिना उनकी कमजोरी जाने। एंड उनकी थोड़ी बात होने के बाद सुकुना काशिमो को एक एक्स्ट्रा वेगेंट बोलता है एंड बोलता है कि गोजो भी ऐसा ही था। एंड देन काशिमो और सुकुना की लड़ाई शुरू हो जाती है एंड काशिमो सुकुना के फेस पर एक जबरदस्त पंच मारता है। एंड देन उनकी लड़ाई चल रही होती है, ऑल्दो एट द एंड इस फाइट में वो हो जाता है जो मैं चाहता था कि वो गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल में हो। सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म रिवील कर देता है, मतलब अपने चार हाथों वाली फॉर्म। एंड मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में हमें ये चीज देखने को नहीं मिली। एंड हेंस इन दोनों लोगों की बैटल कंटिन्यू होती है। अब मेरे को ये नहीं पता कि गेगी अकुतामी के मन में क्या चल रहा है, ऑल्दो ये चीज ये लोग एक दो चैप्टर्स के बाद दिखाएं कि गोजो रिटर्न करेगा या फिर गोजो रिटर्न नहीं ही करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। この一瞬を高みなす機嫌言ってるくらい不平等な人生才能もない超身に